सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ इस प्रकार का स्नैप फोटो एडिटिंग, एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि इस फोटो एडिटिंग में या फिर स्नैप फोटो एडिटिंग या फिर किसी भी ऐप से फोटो एडिटिंग करते हो तो क्या क्या बड़ी मिस्टेक्स आप लोग करते हो, और कैसे कलर ग्रेडिंग किया जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और स्नैप फोटो एडिटिंग में स्नैप का PNG कहाँ से ला सकते हो ये भी तहत मैं बताने वाला हूँ। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने के लिए इतना इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम अपने इमेज को PicsArt के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, यहाँ पे टूल्स में आने के बाद यहाँ पे रिसाइज नहीं करते हैं। रिसाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे हम 5000 लिखना है, किसी भी फोटोज़ में 5000 लिखना है, एंड यहाँ पे रिसाइज करोगे तो नीचे आपको नंबर देखने को मिलेगा, 3000 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमको 3000 लिख देना है कुछ इस प्रकार से। अब इसको डन कर देना है। इससे होता क्या है, आपका इमेज जो है वो HD हो जाए। भी ऐड करोगे कोई भी इमेज PNG किसी भी चीज़ को इसमें ऐड करोगे तो आपका जो इमेज है वो फटेगा नहीं, HD बिल्कुल HD रहेगा, और जो भी पहले से जो फोटोज़ फटा उटा रहेगा तो वो आपका इमेज जो है रिसाइज करने के बाद HD हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को रिसाइज ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट करना क्या है आप लोगों को, अब हम इसमें PNG लगाएंगे। अब कहाँ से PNG डाउनलोड करते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ, और इससे बड़ी बड़ी आप लोग मिस्टेक्स करते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, अब ऐसा परफेक्ट जैसे कि हम यहाँ पे ओपेसिटी को जैसे ही माइनस करेंगे मेरा बैकग्राउंड एंड स्नैप का PNG दोनों देखने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको ऐड कर देना है, एंड ऐड करने के बाद अब इसको माइनस थोड़ा कर देंगे ओपेसिटी को, और इरेज वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको थोड़ा 96 या 7 ऐसे रख देंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, जूम करेंगे कुछ इस प्रकार से, और आगे का जो स्नैप का जो पार्ट है ना ये वाला, इसको हम इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले इरेज हम कर लेते हैं। सो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इरेज कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब इसको करने के बाद आप लोगों को सही के टिक वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपेसिटी को हम हाई कर देंगे। हाई आप लोगों को अब क्या करना है, जो कि मैं बड़ा प्रोसेस बताने वाला हूं। अब तो आपका जो ये प्रोसेस है अब फोटो एडिटिंग का अब स्टार्ट ही हुआ, क्योंकि अब इसमें जो करना है वो बहुत लोग कम लोग करते हैं, और इससे आगे क्या क्या बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हो वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। आप लोगों को एक कर्व वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जो ये वाला ऑप्शन है इसको पूरा माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपका जो स्क्रीन है ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आपको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे साइज़ को हार्डनेस को 97 या फिर 98 रख लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे साइज़ को थोड़ा छोटा करके, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ये वाला जो इमेज है इसको इरेज कर देंगे अच्छे तरीके से, कुछ इस प्रकार से इरेज कर देना है। अब करना क्या है वो आप लोग यहाँ से यहाँ पे जो आउटलाइन दिख रहा है इस पर आपको इरेज कर देना है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेज करना है, एंड अच्छे तरीके से कर लेना है कुछ इस प्रकार से। को करना क्या है, यहाँ से हम कुछ इस पार्ट को कट कर देंगे, और इसको जो है हार्डनेस को माइनस करके एंड ओपेसिटी को माइनस करके साइज़ को छोटा करके अब ये वाला जो पार्ट है कुछ इस प्रकार से इरेज कर देंगे। अब इससे ऐसे कर देंगे अच्छे तरीके से कुछ इस प्रकार से, और अच्छे तरीके से सिर्फ लाइन को इरेज करना है, जिससे कि आपका जो लगे कि हाँ शैडो इसका क्रिएट हो चुका है, ओरिजिनल देखने में लगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है, एंड करने के बाद आपको करना क्या है, अब हम इसमें सेव वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड इसको थोड़ा सा हम इनको इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब इस प्रकार से आप
आपका जो शैडो हो वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी लाइन में कर लेना है, तो वो मैं बताने के लिए किया हूँ, तो आप लोगों को सभी प्रकार से कर लेना है। अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लाइटरूम के अंदर जाना है एंड वहाँ पे क्या क्या गलती करते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो बाद आप लोग यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो गलती करते हो वो आप लोग क्रॉपिंग में गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती। अब क्रॉपिंग में क्या गलती करते हो, यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये वाला, इसको आप बढ़ा घटा कर क्रॉपिंग करते हो, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, कुछ इस प्रकार से क्रॉपिंग करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि अगर आपका जो ये वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आप लोग करते हो तो आपका जो इमेज है वो फट जाएगा, और आप लोग अगर मान के चलो कि यहाँ पे जो लिप्स को रेड करोगे तो आपका जो लिप्स का रेड है वो कहीं और जाकर कलर ऐड हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो फोटो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको क्रॉपिंग करना ही है तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आपको कस्टम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें जो भी कस्टम यूज करोगे वो आप लोग यूज कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। तो इस प्रकार से कर लेना है, बट मैंने यहाँ पे क्रॉपिंग कर लिया है तो हम क्रॉपिंग नहीं करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक ऑटो वाला ऑप्शन देखना है, ये इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो कम क्यों हुआ है, जहाँ पे आपका लाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर लाइट कहीं कम देखने को मिलेगा उसको एडजस्ट कर देता है। लाइट जहाँ ज़्यादा रहेगा उसको कम कर देगा, कम रहेगा वहाँ पे ज़्यादा कर देगा, तो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देगा एंड कलर कम रहेगा तो उसमें कलर भर देगा, तो ये करता है ऑटो। अब ऑटो मोड को हम ऑन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद से बताने वाले कि कुछ इस प्रकार से खुद से ऑटो मोड मतलब कैसे कलर ग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है एंड थोड़ा सा डबल एक्सपोजर में थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देना है, माइनस करने के बाद आपको जो कंट्रास्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड हाईलाइट वाला ऑप्शन है इसको माइनस कर देंगे एंड शैडो का जो है माइनस करके ब्लैक ऑप्शन को माइनस एंड ब्लैक को माइनस इतना कर देना है। अब नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम एक कलर वाले ऑप्शन में चले जाएँगे, वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को करना क्या है, टेम्प वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड नीचे जो वाइब्रेंस वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे, बस इतना कर लेना है। अब आप लोगों को करना क्या है, ऊपर की तरफ एक मिक्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ये वाला है, इसमें आप लोगों को ध्यान से करना है, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, यहाँ पर ये ह्यू वाला जो ऑप्शन है इसको पूरा माइनस करके कुछ इस प्रकार से लिप्स को रेड कर लेना है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लिप्स रेड करोगे तो आपका जो फ़ोटो है वो बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। तो आपको थोड़ा सा लिप्स रेड करना है नॉर्मली, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑरेंज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इससे आप फेस को चेंजिंग कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो माइनस किया तो रेड हो जाता है एंड प्लस किया तो येलो हो जाता है। तो हमको मीडियम कर लेना है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से करके सेचुरेशन का जैसे ही माइनस करोगे आपका जो फेस है वाइट हो जाएगा एंड यहाँ पे कलरफुल हो जाएगा, तो हमको थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनेंस वाला ऑप्शन है इसको इंक्रीज हम कर देंगे, यहाँ पे आपका जो फेस है वो बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगा, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको येलो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इसमें थोड़ा सा माइनस कर देना है, जिसके कारण आपका जो स्नेक है वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा एंड सेचुरेशन माइनस थोड़ा करके एंड डार्क वाला ऑप्शन थोड़ा माइनस कर देना है ल्यूमिनेंस का। और ये अप करने के बाद आप लोगों को बैकग्राउंड कलर करना है, तो ये ग्रीन वाला ऑप्शन से कर सकते हो, तो जैसे ही इसको माइनस करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है रेड हो जाएगा एंड थोड़ा सा इसको सेचुरेशन को माइनस करोगे ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो इसको पूरा माइनस करके लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। अब आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हो। अब नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है, इस वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो शर्ट में थोड़ा सा ये वाला कलर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे एंड ये वाला ऑप्शन जाकर इसको थोड़ा पूरा ब्लैक करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सेव कर देना है। अब इसमें करने के बाद अब नेक्स्ट आपको करना है थोड़ा सा ग्रेड करना है कलर में, थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन करने के बाद ग्रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा सा इसको माइनस करेंगे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से एंड यहाँ पर देख सकते हो कलर कितना अमेजिंग लग रहा है एंड यहाँ पर मिड लाइट वाला ऑप्शन में जाना है एंड कुछ इस प्रकार से ऐड हम कर देंगे। इसमें कैसे एडजस्ट किया जाता है एंड क्या किया जाता है जो मैं ये कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्यों किया है और कैसे किया है, तो ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार के तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा राउंडेड। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो ब्लैक पार्ट का होता है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक पार्ट का है, जहाँ पे आपका जो ब्लैक पार्ट है उसको कुछ इस प्रकार से कलर कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ ब्लैक पार्ट है उसको कलर कर देता है, तो हम उस प्रकार से कलर कर लेंगे जैसे कि आपका जो है पूरा परफेक्टली देखने में लगे, तो हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अब आपको बीच वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ये वाला है,
अब इसमें आपको मिड लाइट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। मिड लाइट जो भी लाइटिंग और शैडो ब्लैक वाला पार्ट है उसके बीच का जो पार्ट है उसको कलर ये कर देता है। तो मैंने इसको किया है मिड लाइट, और ये सबसे हाईलाइट वाला जो भी आपका लाइटिंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे शर्ट पे जो लाइटिंग कर रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फेस पे जो लाइटिंग कर रहा है और स्नेक का यहाँ पे जो लाइटिंग कर रहा है उसको कलर चेंजिंग करता है, तो ये मैंने किया है। तो इतना कर देना है आप लोगों को। अब इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा देंगे जिससे कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा HD टाइप का लगने लगे, एंड क्लियरिटी थोड़ा इंक्रीज़ करके DS को इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि मेरा जो इमेज है थोड़ा डार्कनेस आ जाए, एंड बिगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। अब इसमें गलती क्या करते हैं, बिगनेट को पूरा माइनस कर देते हैं जिसके वो अपने फ़ोटो को पूरा बिल्कुल बेकार कर लेते हैं। तो ज़्यादा आपको माइनस नहीं करना है, थोड़ा सा माइनस करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जो फेस पे है देख सकते हो कैसे दाग धब्बा देखने को मिल रहा है। इसको स्मूथली बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आपको ट्रायंगल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा सा जो नॉइस रेडुएशन वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे, एंड नीचे आपको एक कलर नॉइस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि आपका जो फेस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जैसे ही 100 करोगे पूरा स्मूथ हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कर लेना है, एंड उसके बाद हम इतना करने के बाद कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो इमेज कितना परफेक्टली लग रहा है, जैसे कि देख सकते हो कितना डेंजर लग रहा है कुछ इस प्रकार से। आप लोग भी ध्यान से बना लेना। एंड PNG मैं कहाँ से लाता हूँ, तो आप लोग गूगल पे PNG किसी भी इमेज का PNG डाउनलोड कर सकते हो गूगल से या फिर अदर एप्लीकेशन से। अदर एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हो, तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, यहाँ इमेज सर्च मैन, इमेज सर्च मैन मारोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। तो इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्च ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसका PNG आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्नैक PNG सर्च मारते हैं और आपको काफ़ी सारे स्नैक PNG देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड फोटो बताना कितना कैसा आपको लगा, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो एंड न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।